हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन रियल नंबर्स में से बेटा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पता ही है कि पेपर का पैटर्न हमारा एमसीक्यू टाइप ही होगा इस बार। तो देखिए ये क्वेश्चंस कैसे टाइप के आ सकते हैं हमारे पास और हमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, विच वन इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो आपको टाइम भी नहीं ज़्यादा लगाना है और करेक्ट मार्किंग भी करनी है। तो फर्स्ट, रैशनल इंटू इरेशनल, हमेशा इरेशनल आता है बेटा, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, है ना। तो ये तो अपरिमेय हो गया, ये देखिए ऐसे ही अगर इन दोनों को जोड़ा जाए परिमेय अपरिमेय को तो भी अपरिमेय मिलेगा। यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा, देखिए इट विल बी, आपको पता ही है कि ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वेयर टू स्क्वेयर माइनस रूट थ्री स्क्वेयर, दैट विल बी फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। तो हमारा करेक्ट आंसर यही रहा, इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है ना, वन। सेकंड देखिए, कौन विषम संख्या किस प्रकार के रूप में होगी। तो देखिए टू पी प्लस वन, टू पी बेटा हमेशा एक सम संख्या रहेगी। अगर एक सम संख्या से किसी भी संख्या को आप गुणा करो, दो से, चार से, छः से एंड सो ऑन, तो आपको हमेशा ही एक सम संख्या मिलेगी, चाहे वो संख्या किसी से भी गुणा हो रही हो। अब इसके एक आगे और पीछे आपको पता ही है कि विषम संख्या होगी, अगर ये सम है तो इसमें एक जोड़ने पर हमें विषम संख्या मिल जाएगी, है ना। तो हमारा आंसर बनेगा ए एंड डी आल्सो, क्योंकि एक पीछे चले जाएंगे तब भी आपको विषम संख्या ही मिलेगी। तो आंसर मोस्टली एक ही चॉइस पे होता है, पर यहाँ सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इस तरीके के आंसर डाले। नेक्स्ट देखिए, चार पी जमा एक किस प्रकार, कौन सी संख्या होगी, इवन सम होगी या विषम होगी या कुछ भी हो सकती है, या तीन का मल्टीपल। अगेन आप फिर से देखिए, चार पी एक सम संख्या है, लेकिन उसमें अगर एक जोड़ दिया जाएगा तो वो विषम संख्या बन जाएगी, ऑड नंबर। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी संख्या जो एक से पांच तक की सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक से पांच तक की सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम आता ही है सबको। अब एलसीएम में आप देख रहे हैं नीचे सारे प्राइम नंबर बच गए, तो एलसीएम विल बी 2 into 2 into 3 into 5, that means 60. Answer is B. Next देखिए, एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अभी बताया था, हमेशा अपरिमेय होगा, ऐसे इनका योगफल भी हमेशा अपरिमेय, इरेशनल। दो अलग अलग अपरिमेयों का गुणनफल क्या होगा, ये हमने सीख भी रखा है बेटा, ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी, है ना। देखिए इसको मैंने आपको समझाया भी था, मान लीजिए ये दो संख्याएं मैं लेती हूँ, गुणा करती हूँ उनको आपस में, मेरे को मिला रूट सिक्स, तो कैसी है, अपरिमेय, इरेशनल, है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे ले लिया रूट थ्री इंटू रूट थ्री ले लिया मान लीजिए दूसरा भी, तो ये क्या बन जाएगा, या टू रूट थ्री ले लिया, तो आई विल गेट टू इंटू थ्री, दैट मीन्स सिक्स, तो ये कैसे है, परिमेय। तो इसका मतलब इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तीन क्रमागत का मतलब है कि हमेशा वन टू थ्री तो उसके फैक्टर होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब ये तीन संख्याएं जो कभी भी लगातार आएंगी हमेशा छह से भाग हो जाएंगी। सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, तो बेटा वो वन होता है। कितने दशमलव के पश्चात शांत होगा, तो ये हमने सीखा हुआ है, दो और पांच होनी चाहिए, एक तो नीचे की, नीचे उसके फैक्टर्स, और जिनमें से जो भी ज्यादा पावर होती है उतने स्थान के बाद उसका आंसर टर्मिनेट या शांत कर जाएगा। तो यहाँ पे तीन और दो की कौन सी घात ज्यादा है, तीन ना, तो आंसर इज थ्री। एचसीएफ दो नंबर्स का ये दिया हुआ है, एलसीएम बताना है, तो हमें फटाफट फॉर्मूला लगाना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, और इसको हम एचसीएफ से भाग कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा आंसर इसका, देखिए इसका आंसर हमारे पास आ गया 3024।
नेक्स्ट देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा, एससीएफ निकालेंगे, लेकिन कुछ शेषफल बच रहा है तो हम क्या करेंगे, 70 के भाग करने पर कितना बच रहा है, क्रमशः का मतलब 5, तो इसमें से घटा देंगे हम इसे। और ऐसे ही 125 में से आप क्या घटाएंगे, 8 घटा देंगे, वी विल गेट 117। नाउ वी विल फाइंड SCF of 65 and 117 and that will be 13. So answer is 4. अब देखिए, यदि 65 और 117 के SCF को इस तरीके से लिखा जाए तो M की वैल्यू बताइए। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसका SCF निकाल लेते हैं, है ना, जैसा पिछले पेज पे भी किया था। SCF हमें मिलेगा 13, है ना। अब उसने कहा है कि SCF को वो इस फॉर्म में लिख रहा है, यानी कि 65M माइनस 117 इज इक्वल टू 13। अब ये इक्वेशन हो गई आपकी एक तरीके से, तो 65M को यहीं छोड़ेंगे, 117 उधर प्लस कर लिया, इट विल बी 130 एंड नेक्स्ट स्टेप में 65 डिवीजन में चला जाएगा एंड इट विल गिव अस 2 आंसर। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे √5 माइनस √2 को गुणा करें तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है बहुत ही आसान है ये, इसका है ना कॉन्जुगेट जो हमने सीखा था कि अगर माइनस है तो प्लस वाले से गुणा कर दो, प्लस है तो माइनस वाले से, तो हमें एक हमेशा क्या मिल जाती है, परिमेय संख्या, परिमेयकरण भी करते थे हम, है ना। क्वेश्चन 18/15 बताइए शांत है या आसान, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें कैसे चेक करना होता है, डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना। तो सबसे पहले, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि आपको ये देखना होता है कि जो हमें दिया हुआ नंबर है दैट शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, हमारे पास बचा 6/5। अब आप देख रहे हैं बेटा ये नंबर आपस में कट नहीं सकते, है ना, लोएस्ट फॉर्म में आ गए। अब आप इसके हर में कौन सा नंबर देख रहे हैं, 5, और 5 होने के बाद ये कौन सा नंबर बन जाता है, शांत टर्मिनेटिंग, है ना। बिना एकदम से देखे आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे कि आपने सीधा 15 देखा और 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 5 होंगे, तो आप सोचेंगे कि 3 आ रहा है इसके आंसर में तो चलो ये नॉन टर्मिनेटिंग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, तो आपको पता है पाई एक इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती, कभी खत्म नहीं होता इसका वैल्यू और ना ही इसके नंबर्स रिपीट होते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको पता है यहाँ पे फैक्टर ट्री दिख रहा है हमें, एक्स कहाँ से मिलेगा, 7 × 3, एरो के साइन आपको केयरफुली चेक करने हैं, सो एक्स बिकम्स 7 × 3 दैट इज 21। वाई कहाँ से मिल रहा है आपको, एक्स इंटू 4, सो दैट मीन्स 21 × 4 विच इज 84, आंसर इज बी। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर हैज, अगेन आपके पास फिर से वैसे ही नंबर आ गया बेटा, आप देखिए इसके नंबर हमें कैसे दिए गए, 2 की पावर 5 की पावर और 7। आप एकदम से जल्दी से कहेंगे कि मैडम ये शांत नहीं है, नहीं बेटा, अगेन वी हैव टू चेक कि ये अभी कट सकता है क्या, कहीं 7 यहाँ से हट ही जाए, है ना। तो हम इसे चेक करते हैं, देखिए 441 7 2² × 5 3, तो देखिए 7 से ये कट रहा है 63 पर, तो हमारे पास नंबर बचा 63 2² × 5³। अब देखिए, अब इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही रह गए हैं, अब हम अपना आंसर कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग या शांत है। 7/125 कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, तो बेटा हमें 125 को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आपको मिल जाएगा 5 की पावर, बहुत बच्चों को पता भी होगा, इट इज 5 टू द पावर 3, दैट मीन्स कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, 3 के बाद, आंसर इज सी।
नेक्स्ट देखिए, इफ एक्स इज दिस, वाई इज दिस, देन एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज, हमें फाइंड आउट करना है. एचसीएफ में ये हाईएस्ट है ना बेटा, इसकी हमने क्या पहचान सीखी थी कि हमें हर फैक्टर की छोटी पावर चेक करनी है. वन बाय वन चेक करेंगे, दो की तीन इधर है, दो इधर है, तो इसका मतलब दो की दो पावर ली जाएगी. तीन की एक इधर है, तीन इधर है, तो तीन की आप कितनी पावर लोगे, एक. फिर पांच की दो इधर है और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब पांच की पावर जीरो, तो जीरो ही छोटा है हमारे लिए, तो है ना. एस सी एफ विल बी 12. आंसर इज ए. नेक्स्ट देखिए, रूट टू माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस रूट टू. बहुत आसान है बेटा, रूट टू माइनस रूट थ्री, और इसको मैं एक तरीके से इस तरीके से टर्म चेंज करके लिख लेती हूँ, है ना. कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है. नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टू स्क्वेयर माइनस रूट थ्री स्क्वेयर. सो इट इज टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन. अब हम चॉइसिस में देखेंगे, ये रैशनल नंबर है, यस. होल नंबर है, नो, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, उनमें माइनस की टर्म्स नहीं होती. इरेशनल नंबर है, नो. नेचुरल नंबर है बेटा, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, है ना, माइनस का है. तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन बना, ए. नेक्स्ट देखिए, 36 को कैसे लिख सकते हो आप प्राइम फैक्टर के रूप में. सिंपल, हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो आप अपने आप कर सकते हैं, है ना. आंसर विल बी ए. एस सी एफ ऑफ दो नंबर हमें ये दिया हुआ है, एस सी एफ भी और एल सी एम भी, है ना, और एक नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी. अब वैल्यूज रख देते हैं सबकी, 19 इंटू 152, ए की वैल्यू है 38 इंटू बी. नेक्स्ट स्टेप में 38 आप डिविजन में ले जाएंगे एंड इक्वल टू बी, कैंसिल हो गया. आंसर इज डी. नेक्स्ट देखिए, इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स. शांत कब होता है कोई भी रैशनल नंबर, जब उसके हर में सिर्फ दो और पांच हो. टू नंबर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड, पी इस तरीके से है, क्यू इस तरीके से है, हमें इन दोनों का एलसीएम बताना है बेटा. नाउ वी विल चेक द हाइएस्ट पावर्स, है ना. क्यू आपको है ए क्यूब बी. अब एलसीएम लिख लेते हैं, ए की बड़ी पावर कौन सी है, वन इधर है, तीन इधर है, एंड बी की वन फ्रॉम हेयर टू इधर, तो कौन सी लोगे आप, ये. अब आंसर चेक कीजिए, आंसर इज सी. सबसे छोटी संख्या जिसे रूट 27 से गुणा करें तो एक परिमेय संख्या मिल जाए, तो आप सीधा आप ये कहोगे रूट 27. नो बेटा, इसके हम आपको मैंने बताया था कि पहले फैक्टर करके देखेंगे, है ना. कभी भी अगर कंपोजिट नंबर वर्गमूल के अंदर हो आप उसके फैक्टर कीजिए. अब ये आपको पता है कि इसका एक पेयर तीन बाहर निकल जाएगा, तीन वर्गमूल तीन, एक बचा वर्गमूल तीन. तो इस वर्गमूल तीन को हटाने के लिए मैं इसको किससे गुणा कर दूं, वर्गमूल तीन से ही ना. तो आंसर इज सी. हम एट्थ क्लास में करते थे ऐसे क्वेश्चंस, है ना. विच नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इनमें से किस किस के शांत दशमलव प्रसार है, तो आप एक एक कुछ इसका हर चेक करोगे. इसके हर में क्या आएगा, पांच की घात तीन, इसके हर में तीन गुणा दो गुणा तीन, है ना, इसके में तीन गुणा सात, और इसके में क्या आ जाएगा, पांच की घात तीन गुणा दो. अब बताइए, सिंपल है, जिस जिसमें पांच और दो आ रहे हैं वो ही शांत होंगे. आंसर इज डी. द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर 60, 84, 108. सबको आता है बेटा, आई नो वेरी वेल कि आप इसे अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं. आंसर विल बी, इसे पूरा करेंगे आप. नेक्स्ट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200. इनमें से कौन एचसीएफ नहीं हो सकता, तो जब हम इस चैप्टर को कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा भाग करता है. अब फटाफट से चेक कर लीजिए, 1200 600 से भाग होता है ना, 400 से भी होता है,
200 से भी होता है, लेकिन ये किससे भाग नहीं होगा, 500 से नहीं होगा बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। इस रूल को आप फिर से एक बार लिख लीजिए, एससीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा डिवाइड करता है ना। नेक्स्ट, एन इज दिस नंबर, देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस इन एन। तो इसके जो आंसर में है ना, इसका जो एन बनेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, उसमें कितनी जीरोस आएगी हमसे ये पूछा जा रहा है बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। बेटा जीरो जब बनेंगे, जब आंसर में 10 आएगा है ना, तो 10 कब बनेगा, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5। तो कितनी बार 10 बनेगा, अगर मैं 1, 2 और 5 का पेयर बना लूं, फिर दूसरे का भी बना सकती हूँ, 3 बार इसका पेयर बना सकती हूँ मैं ना। 1, 5 फालतू रह गया और बाकी नंबर तो है ही है ना। समझ गए आप, 10 बनाने के लिए मैंने 2 और 5 को गुणा किया, उनकी कॉमन पावर बाहर निकाल दी, लेकिन 5 की 1 पावर एक्स्ट्रा थी, 5 की घात 4 है ना, तो 5 1 हमारे पास बच गया। अब ये क्या बन गया, 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 का क्या मतलब है, 1000 ना। सो आंसर विल बी 35 × 27 लिख लेते हैं, और साथ में 1000 भी आएगा। तो कितनी जीरो लगेंगी इसके आंसर में, 3 जीरो, आंसर इज सी। तो बेटा आई होप कि आप ये क्वेश्चंस को समझ गए हैं, इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे,